फिर से दोस्तों हमारे कैनल पर वही हाल हो गया है जो कुछ दिन पहले हुआ था ना, बारिश होने के बाद यहाँ पर हर जगह पानी ही पानी हो चुका है, जिसकी वजह से हमारा काम रुका पड़ा था। और आज हम सोच रहे थे कि अगर आज यहाँ पर शेड डल जाती तो कल घोड़ा आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा यार। उसके लिए मुझे खुद बुरा लग रहा है, पर यहाँ पर पानी भर रहा है तो यहाँ पर यार कैसे काम चल पाता। यहाँ जो पापा जी ने और मिस्त्री भाई ने कल गड्ढे बनाए थे वो भी पापा जी ने भर दिए, वरना उनके अंदर भी पानी भर सकता था। मुझे ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पर जल्द से जल्द मिट्टी डलवानी पड़ेगी, इसका अगर अच्छे से हम लेवल करा देंगे उसके बाद शायद ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर पानी ना भरा करे। जिस तरह से यार देखो पानी यहाँ पर होल्ड हो जाता है ना, वो नहीं हुआ करेगा। थोड़ा बहुत जो काम हुआ है ना वो यही हुआ है। आज तो मिस्त्री भाई आए ही नहीं है, आज आ जाते पर वो करते भी क्या यहाँ पर आकर। ये सारे के सारे जाल जो हैं ये हमारे पास कुछ पुराने जाल रखे थे, अभी हमने सोच रखा है कि जितना बड़ा ये है ना इतने बड़े ही हम सारे के सारे यहाँ तक, जहाँ तक ये दीवार है ना यहाँ तक हम सारे केज बनवा देंगे। दो या तीन उसमें पार्टीशन होंगे, बस एक जाल तो वहां पर हो जाएगा और लंबा ऐसा हो जाएगा, बीच में पाइप डाले जाएंगे। यार यहाँ पर पानी क्या भर जाता है, बेचारे हमारे डॉग्स भी जो ना मायूस हो जाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि पानी भरा है, यहाँ पर खेलने के लिए भी इन्हें नहीं मिलता है। साइड में थोड़ा बहुत ये घूम पाते हैं इधर उधर, लेकिन जब पानी यहाँ पर नहीं होता है ना तो बीच में चारों तरफ घूमते रहते हैं, चक्करे काटते रहते हैं। बट अभी फिलहाल इनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जब तक ये नहीं सूखेगा ना ये बेचारे बाहर खुल तो सकते हैं लेकिन ज्यादा घूम फिर नहीं सकते, बस इस साइड और वहां पर इस तरह ही घूम सकते हैं। इस बारिश से कुछ अच्छा हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन ये वाली चीज बहुत बेहतरीन हो रही है। ये देखें बेल, इतनी ज्यादा घनी बेल मैंने कभी नहीं देखी। ये वहां पर मिली गई थी, फिर वहां पर हमने दीवार करा दी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद दीवार के अंदर से भी बेल बाहर आना शुरू हो गई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बेल जो ना इनके अंदर से निकल निकल कर चारों तरफ घूम जाएगी, जो कि बहुत प्यारा लगने वाला है। यार तुम बताओ भाई तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, क्यों बार बार शोर मचा रही हो तुम? और अभी मुझे सुनने में आया है कि ये कुछ दिन की प्रेग्नेंट हो चुकी है, शायद ये 9 या 10 महीने बाद बच्चे देती हैं, और अभी एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि कितने दिन का बच्चा इसके पेट के अंदर है, तो इसका भी हमें इंतजार रहेगा कि कब ये जल्दी से माँ बने और ये कभी एक प्यारा सा बच्चा या बच्ची दे। दोस्तों एक बार युवराज सही हो जाए ना, यानी कि इसके पैर फिर बोलना शुरू कर दिया, एक बार युवराज सही हो जाए, बिल्कुल सही हो जाएगा ना, उसके बाद इतनी प्यारी प्यारी वीडियोस हम इसके ऊपर बनाने वाले हैं ना। एक बार ये सही हो जाए, आपने भी अंदाजा नहीं लगाया होगा कि मैं किस तरह की वीडियोस इसके ऊपर बनाऊंगा। अरे यार पता नहीं उसको क्या हो रहा है, शायद पापा जी ने उसको चारा शायद रख दिया। यार टाइम तो बहुत हो रहा है, शायद दूध नहीं निकला है उसका। हाँ दूध नहीं निकला है, देखिए वहां से पता लग जाता है। थन जब मोटे होते हैं ना तो इसका मतलब अंदर दूध अभी है, लेकिन दूध निकलने के बाद थन पतले हो जाते हैं, तो शायद दूध इसका नहीं निकला है, इसी वजह से बार बार शोर कर रही है। तो बस यार एक बार युवराज जल्दी से सही हो जाए, उसके बाद मुझे तो सच में बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है एक बार ये सही हो जाए। मन तो मेरा खैर अब भी इसको कर रहा है कि मैं बाहर लेकर जाऊं, बट अभी पापा जी की परमिशन नहीं है। आज चेक कर ही लेते हैं कि युवराज का पैर, ओए काटने की मत सोचना भाई, दिखा ना, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, आराम से आराम से आराम से, डरो मत ठीक है, तुम्हारा पैर देख रहा हूँ यार मैं, दिखाओ आराम से। अबे यार एक तो इसका डर मुझे ये लग रहा है कि पीछे से मुझे काट ना ले, मेरे कहीं भी काट सकता है ये। युवराज पैर दिखाओ बेटा, पता नहीं यार कुछ तो ये इसके घाव हो रहे हैं, कुछ इसका खुर पता नहीं कहाँ से फटा था, वो मिट्टी में हो रहा है। चलो रख लो यार, छोड़ो बस, उम्मीद तो खैर ये है तुम जल्दी से सही। अच्छा देखो काटने वाली बदतमीजी बिल्कुल मत करना, तुम नहीं काटते हो ना। अच्छा तुम जब नहीं काटते हो तो तुम काटने की आदत क्यों डालना चाहते हो, तुम्हें पता ना, अगर एक बार पापा को पता लग गया कि तुम्हारे अंदर काटने की आदत आ रही है, तुम्हारी पिटाई भी हो सकती है, तुम्हारी मरम्मत की जा सकती है। फिर ऐसे मत करो भाई, ऐसे मत करो, घोड़े ना कभी कभार इतने ज्यादा, और भाई यार घोड़े जब बहुत ज्यादा ऐबदार हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं ना, तब इनको शायद पिटाई ही सूट करती है, प्यार से नहीं मानते हैं फिर ये। बस 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 खा लो, जाओ खा लो, मैंने सही सोचा था, गाय का दूध नहीं निकला है वरना इसके अंदर होता ये, लेकिन ये डब्बा भी हमारा खाली है, तभी शायद वो गाय बार बार हमारी वो कर रही है, शोर मचा रही है। बस तो यार गाय का दूध भी निकल चुका है, तो यार गाय का दूध लेकर मैं सीधा अभी घर जा रहा हूँ और आपसे फिर घर ही मिलते हैं। दोस्तों आपने दिन में तो एक्वेरियम कई बार देखा होगा, लेकिन आज रात को एक्वेरियम चेक करें, रात को जो इसकी लाइटिंग है ना वो बहुत ज्यादा प्यारा कलर देती है। यहाँ पर ये देखें फिशेस भी कितनी प्यारी लग रही है, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, यहाँ पर आओ, अरे 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 भाई इनको सच में बहुत ज्यादा भूख लग रही है, तभी ये मेरी ऐसे ऐसे इशारों पर नाच रही है। इनको दाना डालते हैं, दाना कहाँ है, दाना इधर है, जाओ
पहुंच गई, लेकिन दाना अभी इसको नहीं मिला। चलो भाई देखते हैं। हाँ भाई बत्तखो, तो हमारा जो एक कबूतरों का घर है ना, यानी कि जो हमारा पिजन्स हाउस है, इसमें एक बहुत तगड़ी खुशखबरी आ चुकी है। मैं खुद हैरान हूँ यार। अब यार मैं अंदर जाऊंगा, आप लोग ये बोलेंगे कि गंदा कर रखा है इसको, आप साफ नहीं करते। आज की बात हो रहा है यार, मैंने कल वादा करा था आपसे, पर फिर से दोबारा मुझे कुछ काम आ गया। लेकिन एक खुशखबरी आपको दिखा देता हूँ मैं। हाँ भाई इधर होने जरा, ये देखो भाई इसका एक और अंडा आ गया यार। एक महीने के अंदर इसने दोबारा अंडा, ये रही इसकी वाइफ, इसने दोबारा से अंडे दे दिए एक महीने के अंदर अंदर से। ये बच्चे तो बड़े भी नहीं हुए। दूसरा एक तो ये रहा, और दूसरा इसके पास ये वो रहा शिराजी का वो वाला। बच्चे बड़े हुए नहीं और अंडे दोबारा रखने शुरू कर दिए। अभी तो खैर एक अंडा दिया है, दूसरा अंडा भी ये शाम तक शायद दे दे। वैसे यार मुझे शक तो हो रहा था 2-3 दिन से, क्योंकि यहाँ पर ये इकट्ठा कर रही थी। ये देखें भाई, वहां भी इकट्ठा कर रखा है, तो ये तिनके वगैरह इकट्ठे कर रही थी। अब यार मेरे अंदर ही इतनी बुरी कमी है, मैं अपने कबूतरों को बेचारों को नेस्टिंग मटेरियल कभी नहीं देता हूँ, लेकिन यार इस बार तो लाने पड़ेंगे, वरना बेचारी कबूतरी भी ये सोचेगी कि यार अंडे देने बेकार है यहाँ पर। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हो गए। अब 2 अंडे अब आ जाएंगे, 8 कबूतर तो ये हो गए, 4 कबूतर थे 8 हो जाएंगे कुछ दिन बाद। शिराजी के जो बच्चे आते हैं ना, बड़े ज्यादा प्यारे आ रहे हैं। एक तो ये इसका बेटा है, ये इसकी बेटी है। वैसे खैर मुझे जेंडर का तो पता नहीं, लेकिन मुझे ये है कि अगर इसका मुझे पता लग जाए ना काली वाली का, तो मैं इन दोनों का पेयर लगवा दूं, और उसके बाद शिराजी इनके बच्चे होते रहा करेंगे। तो यार बात यह है कि मैं आपसे अब झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन आज बारिश नहीं पड़ी है। कल बारिश पड़ी थी ना, कल बारिश पड़ने की वजह से वेल्डिंग वाले भाई नहीं आ पाए थे हमारे उस पे कैनल पर, लेकिन आज सुबह से बारिश नहीं पड़ी है, धूप भी खैर अच्छी खासी निकल रही है। तो अब ये हो रहा है कि कैनल पर बहुत जोरदार काम चल रहा है वेल्डिंग का, और आज ही हम घोड़ा ला रहे हैं। ये व्लॉग एंड करने के बाद मैं कैनल पर जाने वाला हूँ, कैनल से शायद पापा मुझे भी ले जाएं। वैसे लग तो मुश्किल रहा है, लेकिन अगर मुझे भी ले जाएंगे ना, तो घोड़े की माँ की भी और घोड़े की भी उनकी सबकी वीडियो बनाकर लाऊंगा। लेकिन बस यार बात यह है कि पापा मुझे ले जाएं एक बार, तब मजा आ जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगली वीडियो में घोड़ा आ रहा है, बिल्कुल पक्की बात है। दिस इज अभिनव ओवर एंड आउट।